दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। पैसा डबल करने के पीछे का विज्ञान या मनोविज्ञान भी आप कह सकते हैं। हम दो स्टॉक्स आपको शुरू में बताएंगे जो हाल ही में डबल हो चुके हैं, बहुत जल्दी डबल हुए हैं। उनके पीछे कारण क्या रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे कुछ और भी रेफरेंस हम स्टॉक्स के देंगे जिनको आप उस पर अपना एनालिसिस करके आप जो है उन पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। देखिए, इस मार्केट में सामान्यतया कोई भी फिक्स्ड फार्मूला नहीं है जिस आधार पर चलकर आप अच्छा पैसा बना सकें। ये बात अपने ऊपर किए गए सफल प्रयोग के पश्चात मैं आपसे कह रहा हूँ। आज हाल के ही दो उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करेंगे ताकि आप भी अपनी एनालिसिस करके उसी आधार पर जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपकी नज़र में उन पर पैसा बना सकें। डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूँ कि इन दोनों के शेयर्स हमारे पास नहीं हैं और ना ही अभी इन पे जो है ख़रीदारी की कोई राय है, क्योंकि अभी बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। लेकिन ऑलरेडी हमने इन पे पहले वीडियो बनाया था जब ये लिस्ट हुए थे, लेकिन इतने कम पीरियड में डबल हो चुके हैं, लेकिन उनकी इतनी अर्निंग डबल नहीं हुई है, ये आप मान के चलिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल पेश करेंगे। 6 महीने पहले जब ये लिस्ट हुआ था उसके कुछ दिन पश्चात ये वीडियो हमने बनाया था, अदानी विल्मर शेयर, पहली बार इस चैनल पर संपूर्ण जानकारी, ठीक है, इस पर जो हमने सारी चीज़ें बताई थी। उस समय जो इसका स्टॉक प्राइस था 345 रुपीज़ का था, ठीक है, जब हमने 6 महीने पहले बनाया था। आज जो स्टॉक प्राइस है 736 रुपये। ये मैं इसलिए स्टॉक का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी मुझसे पूछा था कि सर अदानी विल्मर में क्या करें, या किसी सज्जन का एक ऐसा भी प्रश्न आया था कि जो है अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियाँ उनके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो देखिए, इस समय अदानी ग्रुप की जो कंपनियाँ हैं, हालांकि मैं अदानी ग्रुप पर किसी स्टॉक के बारे में कुछ वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ, इसको इसलिए बनाया था कि उस समय नया एनालिस्ट हुआ था तो हमें इसमें पोटेंशियल नज़र आया था। लेकिन अब जो है डबल से ज़्यादा हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। पी रेशियो जो है FMCG का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जो नई लिस्टेड कंपनियां हैं उनका इसलिए हो रहा है क्योंकि अदानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियाँ हैं आप ही देख लीजिए, भयानक भाग गई हैं। तो जब से ये लिस्ट हुआ है आप देखिए 174% रिटर्न दे चुका है। 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको भी करीब जो है 112% के रिटर्न बढ़िया मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू है 12 का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 114 का, और 93,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। लेकिन उसके पश्चात इसने जो हाई बनाया था 878 का, कुछ कम नहीं तो 900 रुपये के आसपास, तो काफ़ी तेज़ी थी इस स्टॉक में भी। एक ही फेस वैल्यू वाला स्टॉक है और 8 फरवरी 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। दूसरा जो स्टॉक है कैंपस एक्टिवियर, इसमें हमने कई दफ़ा वीडियो बनाया, हमने कुछ ग्रुप के वीडियो बनाए थे कि कुछ स्मॉल कैप मल्टी बैगर शेयर, तो उनमें भी हमने इसको सम्मिलित किया था। उस समय जो स्टॉक प्राइस था करीब करीब 1 महीने पहले ही देख लीजिए 375 रुपये का स्टॉक प्राइस था, और आज जो स्टॉक प्राइस है 593 का, अगर देखा जाए तो हाई बना चुका है 602 का। जब से लिस्ट हुआ है तब से यहाँ पे 57% से ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 111 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 40 का, और 16,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है। 5 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। 9 मई 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है। तो ये दो स्टॉक्स पे बताने का ये मकसद था कि पहली चीज़ तो आपको ये फोकस करनी कि कोई भी कंपनी अगर लिस्ट हुई है तो उसके आप बिजनेस को जाने कि क्या बिजनेस में उसके दम है। दो कारण अगर देखें, देखिए चाहे अदानी विल्मर रहा हो चाहे कैंपस एक्टिवियर रहा हो, दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं जो है बिजनेस टू कस्टमर से जुड़ी हुई हैं अगर आप देखेंगे। जबकि आप बाटा देख लें, रिलैक्सो देख लें, अगर देखा जाए उनमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाए हैं इतने शॉर्ट पीरियड में, जबकि आजकल ये बहुत तेज़ से भाग रहा है कैंपस एक्टिवेयर, करीब करीब 1 ही महीने में इतना बड़ा रिटर्न बना के दे दिया। तो दोनों कंपनियों के पीछे कई कारण रहे हैं अगर आप जानेंगे। एक तो बिजनेस इनका अच्छा है, अगर आप कैंपस एक्टिवेयर के शूज़ वगैरह देखें जो फैंसी शूज़ हैं, कि हर आदमी जो है एक डिज़ाइनिंग शूज़ या अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ पहनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रही हैं शूज़ की कंपनियां, चाहे बाटा रही हो चाहे रिलैक्सो रहा हो, उसके बाद अब देखा जाए तो अब जो है इनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, ये भी कारण रहा है। दूसरी चीज़ नोट कीजिए कि दोनों कंपनियों में, जैसे कि अगर आप अदानी विल्मर देखते हैं, अदानी विल्मर के अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे इनका सबसे प्रसिद्ध जो ब्रांड है फॉर्चून, फॉर्चून तेल हो गया, फॉर्चून नाम से कई प्रकार के और भी प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं इन्होंने, कई सारे है ना, तो इस तरीके से देखा है स्पेशलिटी फैट्स में भी है, ल्यूरिक रेंज में भी है, वनस्पति में भी, एडिबल ऑयल में भी हैं, ओलियो केमिकल्स में भी हैं, कैस्टर्स में भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है
हैंड वॉश, सैनिटाइज़र, राइस, सोया चंक्स, बेसन एंड सत्तू, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे खिचड़ी वाला प्रोडक्ट हो, डायरेक्ट कस्टमर्स ख़रीदता है। तो एक तरीके से FMCG की ये भी बेहतरीन कंपनी है। और कुछ और विशेष चीज़ें हो जाती हैं कि कंपनी का जो व्यवसाय है बिजनेस टू कस्टमर वो तो है ही है, इसके अलावा उनके प्रोडक्ट्स किस प्रकार के हैं, प्रोडक्ट का ख़त्म हो जाना या घिस जाना। जैसे होता ना कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं कि आपने फ़ैन लगवा लिया, मान लीजिए आपने कोई एक फ्लैट लिया, वो तीन कमरे, तीनों कमरे में फ़ैन लगवा लिए, अब वो फ़ैन 10-10 साल चलते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। इस वजह से अगर दोनों कंपनियों में आप देखेंगे कि शूज़ जो है कुछ समय के बाद घिस जाते हैं या आउटडेटेड हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसी प्रकार अदानी विलमर के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे कि आदमी ने खरीद के खा लिया, तेल ख़त्म हो गया, फिर से लेना है, हर महीने का एक बजट बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अनवरत खपत है, इसकी कंजप्शन है भारतवर्ष में, ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज़ है, इन दोनों स्टॉक्स के पीछे की एक कहानी ये है कि दोनों कंपनियों में प्रमोटर्स के किस प्रकार की स्थिति है। अगर देखा जाए प्रमोटर्स ने किसी प्रकार के शेयर्स जो है प्लेज नहीं कर रखे हैं। अच्छी बात यह है कि इनके पास एक अच्छी होल्डिंग है। होता है ना कि कुछ आपने प्रमोटर्स देखे होंगे कि उनके पास इतनी कम होल्डिंग होती है, उससे ज़्यादा FIIs, DIIs उनके पास होती है। तो ऐसे में अगर दूसरे के हाथ में आपने सत्ता दे दी है, कैसा है कि ये वैसे ही हो गया जैसे कि मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, उसमें 10 पार्टियां मिलके जो है उन्होंने जो है गवर्नमेंट बना रखी है, 10 में से 2-4 जो है नाराज़ी रहती हैं, कोई ये बिल पेश हो रहा है, कोई वैसा हो रहा है, किसी को किसी राज्य के लिए फंड नहीं मिल रहा है, कोई कहीं का मंत्री है, आपस में ही जो है थोड़ा सा मनमुटाव रहता है। तो इसी तरीके से इन कंपनियों में प्रमोटर्स की अगर उनकी शेयर होल्डिंग स्थिति अच्छी है तो जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं, उनमें FIIs भी आ गए, DIIs भी आ गए, इनमें से आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, या हाई नेटवर्थ हो गए, रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, इस तरीके के जो मिले जुले अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा सा उन कंपनियों पर दुष्प्रभाव कम पड़ता है। जैसे कि अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि जो बहुत सारे सेक्टर्स या कंपनियां ऐसी जो गिरी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वो कंपनियां गिरी हैं जिनमें FIIs की ज़्यादा होल्डिंग्स थी। अब वो बेच बेच के निकल गए हैं, वो कंपनियों की हालत ख़राब हो गई है, जबकि अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छे उनके फाइनेंशियल्स भी आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण रहा। दूसरा, इन कंपनियों में, इन दोनों कंपनियों में किसी प्रकार की रेगुलेटरी का झंझट नहीं है। कैसा होता है किसी बैंक में, NBFC में, या फिर कोई ऐसी केमिकल की कंपनी हो गई, ड्रग्स की कंपनी हो गई, तो ये भी एक तरीके की उलझन होती है। इसको आप कह सकते हैं कुछ ऐसी भी कंपनियां होती हैं जिनका मौसमी व्यवसाय होता है, साइक्लिकल बिजनेस होता है, उनसे भी थोड़ा सा अपेक्षा उसी समय कर सकते हैं जब उस चीज़ का मौसम हो। जैसे मान लीजिए खेती किसानी का टाइम है, तो उस समय आप देखिए फर्टिलाइजर्स के, ऐसे बहुत सारे एग्रोकेमिकल्स के स्टॉक्स खूब भागते हैं, खाद वगैरह बनाने वाली कंपनियाँ खूब फलती फूलती हैं, लेकिन जैसे सीजन जाता है थोड़ा सा वो ठंडी पड़ जाती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कुछ कंपनियां हैं जिनके ऐसे AC के कलपुर्जे बिकते हैं या AC के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जब ठंडी वगैरह आती है तो उस समय नहीं बिकते हैं। इस प्रकार का बिजनेस नहीं है, इन दोनों कंपनियों में नहीं था। यही कारण था कि कोई 1 महीने में, कोई 6 महीने में करीब करीब डबल के आसपास हो गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं, अग्रेसिव निवेशक हैं, रिस्क लेने वाले हैं, या फिर जो है बहुत ही धैर्यवान हैं, आपके अंदर कितना साहस है, कितना स्वयं का जो है धैर्य है, खरीदते वक्त थोड़े थोड़े लेते हैं उसका धैर्य है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब आगे की वो कौन सी कंपनियां हो सकती हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं कि जो आपको अच्छा खासा गेन दे सकती हैं। यहाँ पे देखिए, अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है जो 26 अगस्त 2022 को हुई थी, जिसका नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मदरबोर्ड, चिप, USB पेन ड्राइव, है ना, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस चीज़ को लेके भारतवर्ष में थोड़ा सा बढ़ावा भी दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो इस कंपनी को भी आप अपने राडार पे रखिए, नज़र पे रखिए। अभी स्मॉल कैप की कंपनी, 5,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप है, 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। जब से लिस्ट हुआ इसमें, अभी देखा जाए तो जब से लिस्ट हुआ तो यहाँ पे 6.28% के यहाँ पे गिरावट है, नुकसान हो रहा है, ठीक। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.54 का। तो इसमें भी आप स्टडी कीजिए कि किस प्रकार की कंपनी है, और भी इनकी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, रिव्यूज़ लीजिए। जब केमिकल सेक्टर अपने पीक पे था, सारी कंपनियों में खूब तेज़ी थी, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई, और उसके बाद जो धड़ाधड़ गिरता गया सारी केमिकल कंपनियाँ गिरी, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत सारी केमिकल कंपनियों के क्वार्टर के नंबर भी अच्छे नहीं आए हैं, अगर देखा जनवरी से लेके अगर अभी देखा जाए
5 महीने में, करीब करीब 5-6 महीने में क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफ़ी बढ़ा था युद्ध की वजह से, तो वो भी एक कारण रहा है। FIIs जो निकल के भाग गए हैं वो भी एक कारण रहा गिरावट का। यही कारण है कि आप देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 7.37 का लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, जबकि कंपनी बढ़िया है, स्मॉल कैप कंपनी 9,719 करोड़ की। मुझे लगता है इसमें और भी गिरावट आनी चाहिए, हालांकि ऑलरेडी लो बना चुका है 274 का, और नीचे के लेवल पर मिले तो इसको आप अपने राडार पर रखिए। तीसरा, जो IT सेक्टर पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा है, आप देखिए ये भी करीब 305 रुपये का लो बना चुका है, 388 के प्राइस पर अभी ट्रेड हो रहा है, हाई जो बना चुका है लिस्ट होती बहुत तेज़ से भागा था 754 का। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो साल, दो साल, तीन साल हो सकता है आपके धैर्य की प्रतीक्षा करें, लेकिन जो अभी इनका वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो इसमें यही कर सकते हैं कि आप प्रतीक्षा करें कि या तो इनके अच्छे फाइनेंशियल्स हो जाए, इनके अच्छी अर्निंग वगैरह बढ़ जाए, या फिर आप इनमें SIP मोड पर ही लेते रहें और लंबी अवधि का नज़रिया रखें। तो आज हमने दोस्तों क्या जाना कि पहले तो दो स्टॉक्स जो डबल हुए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स डबल हुए हैं, मैं किन किन स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा करूं। आप देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस जब लिस्ट हुआ था तब हमने बात की थी, वो भी आज करीब करीब अच्छा खासा गेन दे रहा है। इस तरीके की बहुत सारी, याद भी नहीं इतनी कंपनियां, दो साल में लॉकडाउन के पश्चात इतनी कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं और बहुत सारी कंपनियों ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब होता क्या है कि कुछ लोग हाई पे लेके फंस जाते हैं, और वो जैसे कि मान लीजिए किसी ने लेटेंट व्यू में अगर 600-700 पे लेके बैठे हैं, तो इसीलिए हम जो है जब कोई स्टॉक्स बहुत हाई पे होता है उस समय वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि लोग थंबनेल देख के ख़रीदारी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आप भी अपनी एनालिसिस कीजिए, और इन कंपनियों को, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, फाइनेंशियल्स में कोई बुराई नहीं है, अच्छे खासे प्रॉफिट निकल के आ रहे हैं, सेल्स भी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें ठीक है, प्रमोटर भी अच्छे हैं, बट यही है कि सही वैल्यूएशन पे लें या फिर आप एक साथ ना लें। आपने इस महीने किया, किसी आपके फेवरेट स्टॉक में गिरावट आ गई, आपने 4-5 शेयर्स ले लिए, फिर थोड़ी और गिरावट आ गई, थोड़े से और उठा लिए। देखिए पैसा बनाने के थोड़ा तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी फिक्स्ड फार्मूला शेयर बाजार में नहीं होता कि किस रास्ते से पैसा बन जाएगा। आपकी किस्मत बहुत बुलंद है तो आप किसी भी कंपनी में हाथ रखेंगे वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, उसके पीछे कोई फंडामेंटल ना ही कोई टेक्निकल कुछ वर्क नहीं करता। आशा कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं, अगर आप नहीं समझ पाए हैं भली भांति तो फिर से एक बार रिवाइंड करके आप वीडियो को देखिएगा कि आखिर जो हमने कुछ शब्द कहे हैं उनके पीछे क्या उसका भावार्थ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।